ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है, और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है, और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है, सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे घर के, हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, सरकार, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई, और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। सो मैं, मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिजाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा।